तारीख है 11 जून 2022, समय हो गया है 08:19 PM। क्या हाल चाल है आप सभी के? वैसे रोड में मुसलमान पिटते हुए कैसे लग रहे हैं? मतलब ये पिटते हुए मुसलमान और मीडिया में रोते हुए इनके एक्टिविस्ट, आज ये कर दिया, आज यहाँ मार दिया, आज वहाँ पीट दिया। एक्सीलेंट नहीं क्यों? वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा? मतलब अब टीवी की स्क्रीन देखना बढ़िया लगती है। और कहां कहां बेटे? कानपुर में। कानपुर की हालात बताता हूं मैं आपको। कानपुर के अंदर जो जूते होते हैं ना, जूतों का व्यापार बहुत है। वहां जो है मवेशियों की खाल खींच के उससे जो है चमड़े के जूते वगैरह बनाने का बड़ा तगड़ा व्यापार है। और वो सारा गंद जो है ये नदियों में बहा देते हैं वहां पे। मतलब कानपुर से इलाहाबाद तक जो है यही हालात है, समझे? ये हालात इतने ज्यादा हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और सत्यानाश कर रखा इन मुसलमानों ने पूरे कानपुर का। जूतों का जो व्यापार है कानपुर में खूब होता है, प्लास्टिक ये वो सब इनका, उनके उनके हड्डियां अलग करना जानवरों की। कभी आप कानपुर में वहां जाके पता करो, हालात देखो कितने खतरनाक है। मतलब इतने इतना बढ़िया लगता है ना टीवी की स्क्रीन में, वो देखता हूँ अब यूट्यूब पे आए क्लिप, मेरी टीम जो है वही क्लिप अपलोड कराती है, ये वाली करो जिसमें फालतू बकवास कर रहे होते हैं, बोले ये वाली करो, ये अपलोड करो भाई देखेंगे। अब आईसीजे हूँ, आईसीजे इंटरनेशनल क्रिमिनल जज हूँ। कॉलर नंबर 645 है मेरा, मैं हूँ हितेश। सुप्रीम कोर्ट का जज भी कुछ नहीं है मेरे आगे, हंसी मजाक नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ विश्वेंदु परिषद को, आप एक काम करो विनोद बंसल साहब, आप जरा पता कर लो मेरे रैंक के बारे में। ऐसी थोड़ी मैंने रमन्ना को गाली दे दी। आईसीजे हूँ, आईसीजे इंटरनेशनल क्रिमिनल जज 645 हितेश बात कर रहा हूँ मैं, जिसका भी नाम आपने जम्मू के बजरंग दल कार्यालय में लिखवाया है। मेरे अंगूठे पे रचक शब्द, छतरपुर से बजरंग दल में मेरी घोषणा हुई थी मीडिया प्रभारी की। ट्विटर हैंडल @हितेश रेवन, समझ में आ गई? अभी मैं एक डिबेट देख रहा था एबीपी न्यूज पे, कोई 41 मिनट पहले अपलोड हुई है। मैडम है शिरीन, इन्होंने करी, इनके पैनलिस्ट में मौलाना आलिम कादरी, इन्होंने एक सवाल किया, मतलब बात बोल रहे कि सोशल मीडिया को NSA की निगरानी में क्यों ना रखा जाए। अरे सोशल मीडिया पर तो वो आता है जो होता है, जो करते हैं उनको क्यों नहीं निगरानी में रखें? इन मुसलमानों को NSA की निगरानी में क्यों ना रख दें? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के मैं हूँ NSA, बिल्कुल हूँ। भाई साहब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 3760 मेरा बेल्ट नंबर है, समझ में आ गई? इसलिए है सारे रैंक मेरे पास। न्यूज रूम में आराम से जो है बैठ कर चपड़ 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 करे जा रही है।
मतलब जब ये नौकरी मांगने आती है ना, ये अब तो जूस भी बनेगी और मुसलमानी भी बनेगी, भिखारियों जैसी औकात होती है इनकी। और एक बार नौकरी मिल जाए उसके बाद देख ऐसे खूब पोनी टेल झटकाती फिरेगी। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा, श्री नाम है एबीपी न्यूज में, दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोगों का? कहां थे पहले ये सोच लो, कहां से शुरुआत करी है, हैं? कहां से शुरुआत करी है पहले, पहले ये तो पता कर लो। बेको समझ रहे हो तुम मेरे को? हाँ मेरी है JSR सिक्योरिटीज। पूरा नाम है हितेश मंडल, जी हाँ, छतरपुर दिल्ली विधानसभा क्षेत्र। बजरंग दल से मीडिया प्रभारी की घोषणा हुई थी और आज भी हूँ, बिल्कुल हूँ। फालतू का दिमाग लगा रहे हैं यहाँ का वो लक्ष्मण सिंह और क्या नाम है वो राजेश तंवर। अरे भाई काम करते रहो यार अपने अपने, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे को मत सिखाओ। समझ में आ गई? ने नाम रख लिया लक्ष्मण सिंह और हो गए जूश बन के आ गए संगठनों में। तो पता भी है बजरंग दल है क्या, है पता भी है बजरंग का मतलब क्या होता है ना? हनुमान जी तो नहीं होते, सर लगा लो, और ना होते हो तो 5 दिन का टाइम दे रहा हूं। बजरंग ढूंढ के दिखाओ कौन है, बजरंग कौन है बताओ ना। ये साले जूस पागल हो गए, कौन है बजरंग मैं भी तो सुनूं। ना हनुमान जी तो नहीं होते, हनुमान जी हैं, बजरंग बजरंग है, अजीब आदमी हो तुम। बजरंग बली, बली क्या होता है? वज्र रंग, बजरंग क्या होता है मैं भी तो सुनूं। अब हनुमान जी है, मैं बजरंग बली पूछ रहा हूं क्या होता है। अब ये पर्वत लेके आ रहे हैं, ये तो हनुमान जी हैं, ये तो पवन पुत्र हैं। अरे प्रभु श्री राम की सेना में एक से एक महारथी थे, बजरंग भी उनमें से एक था। समझ में आ गई? नहीं समझे? अबे जय हनुमान सिक्योरिटीज मैंने बनाई है, बजरंग दल नहीं है वो, बजरंग दल तो अपना है, वो अपना चल रहा है वो चलाते रहे, मैंने बनाई जय हनुमान सिक्योरिटीज। बजरंग दल वाले भी हनुमान जी की ही पूजा करते हैं, बस ये याद रखना।
बजरंग दल वाले हनुमान जी की पूजा करते हैं, ये याद रखना बस। अब दल था ये और क्या। विनोद बंसल जी ने एक सवाल पूछा, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे विश्व हिंदू परिषद का प्रवक्ता बनाया, बहुत खुशी है मुझे, आप लोगों का आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे, बाकी तो निपटी लेंगे इनसे। भारत में मुसलमान जो हरकत कर रहे हैं उसका क्या इलाज है। देखिए इलाज विलाज तो खैर हम क्या बताएं, समझे, क्योंकि कहते हैं जब कोई चीज अति के पार हो जाती है ना वो स्वयं समाप्त हो जाती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिस प्रकार से इन्होंने पूरे विश्व में और सऊदी अरेबिया में मुसलमानों ने जो हरकत करी और वहां जो पैगंबर साहब की मजार और उनकी बरियल साइट और उनके टॉम्ब और उनके उनके समय से जुड़े सभी इतिहास को जिस प्रकार से समाप्त किया गया 2002 से लेकर के 2010 के बीच में, ये उसी का नतीजा है। कहते हैं अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना और अति की भली ना धूप, उसका नतीजा इन्होंने खुद देख लिया। गूगल का जो आंकड़ा बताता है बंसल साहब, विश्व में मात्र 180 करोड़ मुसलमान बचे हैं, सोचने वाली बात है, और हिंदुओं की संख्या 120 करोड़ है। अब ये लोग कहेंगे कि सऊदी अरेबिया में भी बजरंग दल है, क्या कहेंगे ये। अब ये मौलाना कादरी साहब हैं, आपके ये क्या नाम है बुखारी साहब है, असदुद्दीन अवैसी है, अब ये पता क्या कहेंगे कि सऊदी अरेबिया में जो मोहम्मद साहब की मस्जिद तोड़ी गई है, उनके बरेल साइड जो हटाई गई है, वो बजरंग दल का काम है। नहीं नहीं, वहां विश्व हिंदू परिषद वालों ने किया है, इनका क्या है। आज कानपुर के अंदर जो हिंसा हो रही है आप यकीन जानिए वो मुसलमान और ज्यूशों के बीच में है। मैं बता रहा हूं अगर बजरंग दल वाले उतर गए ना इस मामले में, एक नहीं दिखेगा इनमें से। अगर बजरंग दल वाले उतर गए तो मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूं वो सर। अगर बजरंग दल वालों के पास मैसेज आ गया हम फिर सुन रहे हैं इनकी भला, यही काम करना हमें तो। एक नहीं दिखेगा इनमें से, ये कुछ नहीं है, ज्यूइश और मुसलमानों के बीच में चला रहा है तब से। ज्यूइश और मुसलमानों का खत्म होगा तो सिया और सिंधु शुरू हो जाएंगे और कोई बात ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर मुसलमानों के और ज्यूइशों के बीच में हो रही है। नवाज शरीफ परिवार ज्यूइश है, इमरान खान ज्यूइश है, और जरदारी जो है ये मुसलमान है, खूब चल रही है इनमें। पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार से कत्लेआम हुआ उसको मीडिया दिखा नहीं पा रहा है सर, इतना भयंकर कत्लेआम हुआ पाकिस्तान में। मरियम नवाज शरीफ की टीम, इमरान खान की टीम, खुद इमरान खान के ऑफिस में सर अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। मौलाना फजल रहमान के जलसे पे
जिस समय मेरी बात हो रही थी और उससे करीबन ढाई महीने बाद मौलाना फजल रहमान के जलसे में खुद इमरान खान के शूटर्स ने हमला किया है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के शूटर्स ने फायरिंग खोल दिया AK-47 से। और मीडिया को, जो मीडिया को संभालने का काम जो है, आप कोई भी सेकंड वॉइस चेक करा लो, ये शिरीन जो लड़की बैठी हुई बोल रही हो करी ज्यूइश है, किशोर अजवानी कह रहा वो ज्यूइश है, अमन चोपड़ा कह रहा वो ज्यूइश है। मतलब ये न्यूज एंकर बैठे बैठे कह रहे ज्यूइश है, मीडिया तो हम संभाल लेंगे। इमरान खान के लोगों ने फजल रहमान के, जब उसके बाद सर पाकिस्तान में एनएसजी बुलाई गई है, मतलब वहां पे भी एनएसजी है, ब्लैक गार्ड्स कहते हैं उनको, जब फजल रहमान के आजादी मार्च पे इमरान खान के लोगों ने आईएसआईएस द्वारा सप्लाई किए गए वेपन से सरेआम फायरिंग खोल दी, आपको जान के हैरानी होगी कि 2500 से 3000 लोग ऑन द स्पॉट मार दिए गए। पिछले 3 वर्षों से पाकिस्तान में यही चल रहा है, इसलिए हमने जो है पाकिस्तान में स्पेशली एनडीआरएफ को जो है ये काम दिया कि आप जरा मॉनिटर करके देखो, क्योंकि यूएन से हमारे पास मैसेज आया, यहां पर रॉ और आईबी वाले से हमने पूछताछ करी, वो कह रहे साहब हमारा काम नहीं है। जब बात सामने आई तो पता चला इमरान खान है वो बंदा। और हिंदुस्तान टाइम्स के पास जब रिपोर्ट पहुंची और आईबी के पास एक रिक्वेस्ट गई थी, तो आईबी आईएसआई ने मांगी थी रिक्वेस्ट कि मामला जो है बिगड़ रहा है। उसके बाद मरियम नवाज शरीफ को ये बात पता नहीं थी, यार पता थी अंदाजन, अभी 15 से 20 दिन पहले मरियम नवाज शरीफ ने खुद इस्लामाबाद पुलिस को फोन करके अपने ऑफिस की जांच कराई है सर बंसल साहब, और उस जांच में नवाज शरीफ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऑफिस में हथियार बरामद हुए। पाकिस्तान को आतंकवादी देश इसीलिए उस दिन घोषित किया था जब फजल रहमान की भीड़ पे इमरान खान के लोगों ने काले कपड़े पहन के, क्योंकि इमरान ये इसके अबू बकर अल हाशमी के मारे जाने के बाद, जिसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी ने क्या कहते हैं रेड में मारने की कोशिश करी, पर उसने बाद में अपना घर जो है ब्लास्ट से उड़ा दिया। तो इमरान खान को जो है उस आईएसआईएस का चीफ बना, और आईएसआईएस का ये पैटर्न है सर, भीड़ में फायरिंग खोल दो AK-47 और कोई काम नहीं होता आईएसआईएस का। आईएसआईएस वाले ब्लास्ट नहीं करते, आईएसआईएस वाले आपका किडनैपिंग नहीं करते, वो क्या करेंगे, भीड़ खड़ी है ना, 10 बंदे जाएंगे, AK-47 अपनी मैगजीने लगा के रखते हैं, पुलिस या किसी की वर्दी में मिलेंगे वो। इमरान खान सर, आपको जान के हैरानी होगी कि इमरान खान खुद पाकिस्तान की एनएसजी की वर्दी में गया है, तब उसके बाद फजल रहमान की टीम जो है क्या कहते हैं जान बचाने के लिए भागी और पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान के नेशनल गार्ड डिप्लॉय हुए। यह हकीकत है, ये क्या छुपाएंगे मीडिया में, क्योंकि मीडिया में जो है किरण नाच खुद एक ज्यूइश है, पाकिस्तान में ज्यूइश वर्सेस मुसलमान चल रहा है सर, फजल रहमान जो है वो मुस्लिम है, ठीक है, और उसको मौका मिल गया जहां मुसलमान इकट्ठे हुए फायरिंग खोल दी। आईएसआईएस ने जब पाकिस्तान के अंदर कदम रखा, पहले आईएसआईएस जो है, मोदी भी तो गुजरात गया था, जो पाकिस्तान वाले गुजरात है वो भी शामिल है सर फायरिंग में, बिल्कुल शामिल है, बिल्कुल शामिल है सर, यहां से रेजर है ना, मोदी रेजर है सर, मोदी क्या करता था मैं बताता हूं, रात को एक छोटी गाड़ी लेकर निकल जाता था, इसीलिए तो पिटा था ये, और किसी से भी खड़ा होकर बात करने लगता था, अचानक इसके बंदे आते थे बंदा काट देते थे, 2-3 बार किया इसने नरेंद्र मोदी ने, ठीक है भाई, हिंदू जान के भाई भारत में धर्म निरपेक्षता है, हिंदू जान करके आपने प्रधानमंत्री मान लिया, हमने भी मान लिया, दे दिया वोट, अब नहीं मानते हम इसको।
मोदी यहां से गया पाकिस्तान, इमरान खान है इसका चेला, बिल्कुल है, बोल मना करके दिखा दे। इमरान खान ने मांगे इससे पैसे, पैसे इस पे थे नहीं, ठीक है, देता कहां से, फिर इमरान खान इसे मारने पे उतर गया। और पाकिस्तान के अंदर अब तक इमरान खान ने, मतलब इमरान खान और नवाज शरीफ की टीम में कम फायरिंग हुई है, अंदाजन अब तक जो मेरा मानना है सर, मैं तो तब मेरे को तो आंकड़े भी बताने में अजीब सा लग रहा है, पर डे 6,000 से 8,000 लोग मारे जा रहे हैं पाकिस्तान में। इस वॉर की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने करी। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वहाबी है या ज्यूइश है नहीं पता, पर हमें ये पता लगा कि ये ज्यूइश है और उसकी बेटी मुसलमान है, इवन का ट्रंप मुसलमानों के घर में होता है। ये काम इन्होंने हिंदुओं के घर में की कोशिश करने की कोशिश करी थी बंसल साहब, और वो ये करने की कोशिश करी कि भारत में भी हर परिवार के अंदर एक हिंदू होगा, एक मुसलमान होगा, एक ईसाई होगा, तब है धर्मनिरपेक्ष। मैं कहा यार जूता कहा है मेरा, बेवकूफ समझाया क्या। पाकिस्तान में आज भी इमरान खान और उसकी टीम के लोग कहीं फायरिंग खोल दे रहे हैं। तब हमने यहां से 15 लाख स्पेशल रिवॉल्वर्स आईएसआई के पास भिजवाई है, आईएसआई मुसलमान है। इमरान खान ने अपनी क्रिकेट की टीम यूज करी। जब इमरान खान से पाकिस्तान पुलिस ने पूछा कि आपने जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए जीता है, ठीक है, तो आप थोड़ा संयम बरतो, तो इमरान खान का जवाब पता है क्या था, कहता है ये मैंने इसराइल के लिए जीता है वर्ल्ड कप, तुम्हारे लिए नहीं। ये इमरान खान का जवाब है सर, ऑफिशियल रिकॉर्ड है इस्लामाबाद पुलिस के पास, ऑफिशियली रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में मुसलमान और ज्यूइशों के बीच में ऐसी चल रही है, तब हमने इंडियन आर्मी भेजी थी हिंदुओं को बचाने के लिए पाकिस्तान में। हमने कहा ऐसा है, तुम्हारी लड़ाई वहां है, पाकिस्तान के हिंदुओं को हाथ नहीं लगाओगे। चाहे यहां से पैरा ऐसे भेजें, चाहे मार्कोस भेजें, स्वाट, एनएसजी, कुछ भी, अगर कॉल आ गई वहां से हमारे पास कि जी हमारे यहां पे हमला होने वाला है, तुम कोई हो, हम नहीं मारने देंगे तुम्हें। हमने ऑर्डर ले रखे हैं सर आईसीजे से कि सर ऐसा ऐसा मामला है, ये खुद ही खत्म हो जाएंगे। मेरी आपके सवाल का जवाब ये है, मैं बता रहा हूँ कि भारत में मुसलमान जो हरकत कर रहे हैं उसका इलाज क्या है, कोई इलाज नहीं, खुद मर जाएंगे देख ले। बस हिंदुओं को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, खाओ पियो मस्त रहो और कुछ नहीं करना है जनाब। 180 करोड़ तो मात्र बच्चे पूरे विश्व में, 3,500 करोड़ की जनसंख्या थी मुसलमानों की, मात्र 180 करोड़ बचे हैं। और जब ये डेड बॉडीज रोड पे पड़ी रह गई ना, मैं बताता हूँ ना बीमारी कैसे फैली है विश्व में। हम गए सर, हमारे पास ड्यूटी है, हमारी सर्विस आई हुई है, हमें मालूम है ना। जब ये डेड बॉडीज रोड पे पड़ी रह गई ना, सऊदी में, कई जगहों पे, जंगलों में भाग भाग के गए, तो वही कत्लेआम चल रहा है। अब पता नहीं वो पैगंबर की मस्जिद तोड़ने का कारण हुआ या आईएसआईएस में सिमोने एलियट का होना हुआ, ये तो पता नहीं, पर कत्लेआम अब भी चल रहा है। भारत के अंदर कम हुआ, जहांगीरपुरी क्या था, जहांगीरपुरी हिंदुओं के उसमें थोड़ी हुआ है, वो बाद में ज्यूइश और मुसलमानों के बीच में, अभी कानपुर भी यही है। हिंदुओं को तो मैं कहता हूं आराम से खाओ पियो मस्त रहो, समझ में आई। मेरे घर के सामने, ये सामने वाला मेरे ज्यूइश है, इसके बगल वाला मुसलमान है, नाम एक का नाम कालेश्वर, एक का नाम भुवनेश्वर है, दोनों एक दूसरे खून के प्यासे हैं, जिस दिन दिमाग लग गया उसे उड़ा देंगे एक दूसरे को। ये मैं तो अपना बालकोनी की सीट लेके देखता रहता हूँ, समझ में आई। मेरी कॉलोनी में वर्ल्ड वॉर चल रही है,
जगह तय करी हुई है, यहाँ आ जाए लड़ने। रोज मेरी कॉलोनी के घर परिवार के में से एक ना एक बंदा मरता है, ये समझ लो। सुपर वॉइस में बताते हैं अपने रिलीजन, मैंने मेरे बारे में बताया कर यार, ये तो भैया श्री राम भक्त कटर हिंदू है, बात खत्म। एक एक करके खुद गायब हो रहे हैं। जब यहां इस मेरी गली में भी जब मारकाट मच गई ना एक दिन रात को, मैं जब सोता हूं ना तब उसके बाद, क्योंकि मैं जगा हुआ, मैंने देख लिया सुन लिया, तो इन्हें पता मैं उतर जाऊंगा तो फिर भगेंगे सबके सब। तब मैंने यहां रुकवाया, मैं कहा और कहीं जाके करो, तो शायद इधर कहीं खाली जगह पता नहीं कुछ बना रखा गली में या घर में, कहीं लड़ाई होती है इनकी आपस में, खूब चलती है, अब पता नहीं क्या बात है। ये हालात कश्मीर में, मुसलमान और ज्यूइश, मुसलमान कह रहे कश्मीर में हम रहेंगे, ज्यूइश कह रहे हम रहेंगे, तो मार रहे हैं दूसरे को, मारो हमें क्या लेने दे, मगर हमारे मंदिरों से दूर रहो। यह हकीकत है, भारत से अंदाजन सऊदी में, जो हमारे पास आईबी की रिपोर्ट आई थी 2019 जुलाई के लगभग, भारत से हज के बहाने ये सैयद साहब, क्या नाम है, सैयद सहबाज हुसैन, सहबाज हुसैन क्या है, सहबाज हुसैन था ना कुछ, सहनाज हुसैन कौन है भारतीय जनता पार्टी का, सहबाज हुसैन, मुख्तार अंसारी नकवी, ये मुख्तार, ये अस्वीदी निवेशी, तो बहुत पहले से भेज रहा था फिलिस्तीन और मुसलमान यहाँ से जोशों पर हमला करवाने के लिए, हाँ भर्ती यही करवाता था ना ये, तो ये सहबाज हुसैन और ये लोग भेज रहे थे यहाँ से हज के बहाने। सर अंदाजन कोई भारत से 28 करोड़ मुसलमान ट्रैवल करके गए हैं बाय रोड, कोई हवाई जहाज से, कोई पानी के जहाज से सऊदी अरब और इसराइल पर हमला करने के लिए। मतलब जब फिर उसके बाद जो है क्या कहता है, मेरे पर यूएन का प्रेशर आया, यार आप रोको किसी तरीके से, मगर साहब मैं क्या रोकूं, तो मेरे को रोहिंग्या और उगर को बचाने के लिए बोला, यार ये कैसी मूवी है, कह रहा आप वो देखो, मैंने कहा जी मैं देखूं क्या, उसमें सुनते कहां है ये, अब कोई मारने मरने पे उतार तो क्या करेंगे। भारत से 28 करोड़ मुसलमान पलायन करके उस युद्ध के लिए, पता नहीं किस बात का युद्ध है इनका। हमने इनको कहा कि आप भारत की सरहद के, भारत के सरहद के अंदर नहीं आओगे, ये मेरे पीछे पड़ गए ज्यूइश, यार किसी तरह तू हमें तैयार कर, मुसलमान कहते तू हमें तैयार कर दे, मैंने कहा यार ऐसा है मैं तैयार करके करूं क्या तुम्हें, मैं तो एक बंदा तैयार कर दूंगा वही गायब कर देगा सबको, पर उससे होगा क्या, मैं तुम अभी बढ़िया कर रहे हो मैंने खत्म, तो ये है हकीकत। इसराइल को खत्म करने के लिए फिलिस्तीन में मुसलमानों की भर्ती आज भी अस्वेदी निवेशी करवाता है। जब ये बात बेंजामिन नेतन्याहू ने मोदी को बताई तो मोदी के अंदर भी ज्यूइश कीड़ा जाग गया, समझ में आई, तो इन्होंने जो है क्या कहते हैं ईसाइयों पर हमला कर दिया। ईसाई कह रहे कि यार तुम हमारे से दूर रहो, अब बात फैल गई ईसाइयों में। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो है क्या कहते हैं जब बात बढ़ गई तो इन्होंने जो है यूएसए ने फिर हमें कॉल किया, फिर हमने वहां बात संभाली, तो अब थोड़ा शांत है, अब फिर ये ईसाइयों में जा रहा है मामला है, कुछ बात हो गई इनके बीच में, क्योंकि मरियम नवाज पता है कौन है, ये एक ईसाई है, ज्यूइश नहीं है, नवाज शरीफ ज्यूइश है। मरियम नवाज पर जिस दिन हमला हुआ था उस दिन से ईसाई जो है क्या कहते हैं मुसलमानों को मारने पर उतर गए हैं और ज्यूइशों को, और ये इन पे पाकिस्तान में मरियम नवाज के हमले के बाद जो खून खराबा बढ़ा है ना, आपको अंदाजा नहीं है सर,
मरियम नवाज पर सीधा हमला हुआ है। मैं क्या करूं, ग्यारह साल हो चुके हैं सर, 2022 चल रहा है ना, 2009 मैं आया ड्यूटी पे, हाँ 2009 की नौ समय ड्यूटी पे आया था, रिसर्च एंड एडवर्टाइजिंग में। फिर बहुत हैवी ड्यूटी होने के बाद फिर इन्होंने मेरे को कहा कि यार रितेश ऐसा है, आप थोड़ा सा कंफर्ट जोन लेकर के रखो। मैंने कहा जी मैं वीआरएस दे रहा हूँ, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। जब मैं बिहार से वापस आया, मैं कब आ गया यार, पैसे वूसे हैं अपना आराम से रहेंगे, तो मैंने वीआरएस के लिए बोल दिया था, तो इन्होंने मेरे को फिर मना किया, कह रहा नहीं आप वीआरएस नहीं लोगे। ठीक है सर, कह रहा आपकी ड्यूटी और है, ठीक है और भी कोई काम करना है, ठीक है जी। मैं अगर पाकिस्तान पहुंच जाता तो और बुरे हालात होते, मैंने 42-40 की ड्यूटी होल्ड कराई। मेरे से इन्होंने साफ कह दिया, रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग वालों ने फोन करके एक दिन, कह रहे तेरे हिंदी समझ नहीं आ रही है क्या, मुझे क्या समझा रहे हो, कह तेरे को ड्यूटी बोली तो जाता क्यों नहीं है। अरे सर बात मेरे ड्यूटी पे जाने की नहीं है, आप जानते हो भी करेंगे क्या मेरे लोग, एक नहीं सुन रहे मेरी। अब देखो हालात क्या है, मैं कहा 42-46 की आप ड्यूटी करो, मैं तो 42-40 कर दूंगा ड्यूटी, सब जानते हैं क्या मीडिया क्या अखबार। मैं कहा बात मेरी है और किसी का नहीं पता लगेगा, आप मेरे बारे में अच्छी तरह जानते हो मैं कौन हूँ। मैंने कहा पहले मेरे को अपना काम करना, तो ड्यूटी चालू हो रखी है, मैं अपना काम कर दूंगा, 42-40 की रिपोर्ट के हिसाब से जो है आर्टिकल 16 में चेंज कर दिया बात सब, करें क्या। मरियम नवाज की टीम जो है पाकिस्तान में ज्यूइश और मुसलमानों को मारने पे उतर गए हैं, मरियम नवाज की टीम कुछ भी नहीं सुन रही है, वो पाकिस्तान खत्म करने पे उतारू है। नवाज शरीफ की टीम अलग है, मरियम नवाज की टीम जो है वो राबी पीरजदा के खून की प्यासी है, मरियम नवाज राबी पीरजदा को मारे छोड़ेगी नहीं, मारे बिना मानेगी नहीं वो, और रियाम खान को वो इमरान खान के घर परिवार का एक बंदा जिंदा नहीं छोड़ेगी, वो इतनी खतरनाक है। मैं क्या बोलूं, मैं तो हंस रहा हूं बैठा बैठा, मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूं। राबी पीरजदा वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मरियम नवाज शरीफ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, ठीक है। अब पार्टी के अंदर जो है चलती इसकी मरियम नवाज शरीफ की है, क्योंकि मरियम नवाज की जो टीम के बंदे हैं वो सुनते नहीं, छुटते गोली मार देते हैं, छुटते ही गोली मार देंगे। पाकिस्तान जो है सर जाहिलों का देश है, अनपढ़ गवा रहे हैं ये, बात नहीं करते गोली मार देते हैं वो। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की का अलग सिस्टम है, ठीक है। मरियम नवाज खुद जो है ना वो सुनेगी नहीं, वो 2 मिनट में गोली मार देती है, वो खुद एसपीजी सुनती है वो, समझ में आई। और मरियम नवाज शरीफ जो है वो रियाम खान राबी पीरजदा, मैं बता रहा हूं ना आपको, ग्रुप है राबी पीरजदा, वो छोटा ग्रुप नहीं है, मियां वाली का ग्रुप है राबी पीरजदा, राबी पीरजदा भी कम नहीं है, मियां वाली समझते हो आप, मजार वाले हैं ये, ऑल ओवर वर्ल्ड में मजार का जो नेटवर्क है वो राबी पीरजदा का है। जी हाँ, कहीं मोदी सोच रहा हो ना, वो मिनट में गायब करा देगी मोदी को, वो इंडियन आर्मी को भी कुछ नहीं समझेगी वो, ये मैं सोच रहा हूँ, ट्विटर पे बैठ के वो पेंटिंग बना रही है। पाकिस्तान में लड़कियों को मामूली मत समझना आप, समझ में आ गई, यहाँ भारत में ये ऐश्वर्या राय और इनको समझ रहे हो, क्या नाम है ऐसा, कैटरीना कैफ, वो देखने में जितनी सुंदर होती है ना पाकिस्तान की, उतनी खतरनाक होती है सर। मैं बताता हूँ राबी पीरजदा की हकीकत, मियां वाली का नाम सुना आपने, पाकिस्तान में राबी पीरजदा है मियां वाली,
मैं बता रहा हूँ आपको हकीकत, वो मारने पे उतरी हुई है वो, अगर उसकी शकल जैसी कोई मिल जाए ना गोली मार देते हैं उसके बंदे, ये हकीकत है। राबी पीरजदा है मियां वाली, मियां वाली की मजार उसकी है, मतलब उसकी चलती है। पाकिस्तान में जिसने मियां वाली की मजार पे आकर के नमाज नहीं पढ़ी वही मरा। बाद में मरियम नवाज भी जो है सिर्फ धर्म के नाम पे जाकर नमाज पढ़ के आई थी भी कुछ दिन पहले, मियां वाली, इमरान खान भी गया वहां पे। मियां वाली के जो बंदे वहां पर वो कम समझ रहे हो? पाकिस्तान का एक ऐसा ग्रुप है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ये जो मजारें नहीं होती हैं, आपका ये ख्वाजा गरीब नवाज हो गया, निजामुद्दीन हो गया, आप एक बार नाम लेके देख लो मियां वाली का। आईएसआईएस वाले भी कुछ नहीं है इसके आगे, ये है वो राबी पीरजदा, ये जो ट्विटर पे है आधे दिमाग की है ये, समझ में आ गई? और अय्याश और बदतमीज ये चल रहा है पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम क्यों नहीं होती? रियल पॉपुलेशन आपको पता नहीं है वर्ल्ड की, वो धीरे धीरे आते रहते हैं। राबी पीरजदा को कोई गाली दे देना पाकिस्तान में तो इमरान खान अगर भाषण भी दे रहा हो, राष्ट्रपति भवन में भी बैठा हो या प्रधानमंत्री कार्यालय में घुस के मारते हैं। इमरान खान ने कई बार हथियार मांगे मेरे से और मरियम नवाज ने भी। राबी पीरजदा ने सिर्फ इंडियन आर्मी के आगे जो है ना रिस्पेक्ट रखी या सरेंडर किया मुझे नहीं पता, पर आइए जरूर वो आकर के ना इंडियन आर्मी वालों को AK-47 और हैंड ग्रेनेड चुपचाप रख के घर चली गई थी उनके पास, ये आप रख लो मेरी तरफ से, और कुछ नहीं बोला, चुपचाप चली गई गाड़ी लेकर के। ये बहुत फेमस किस्सा है, जब पूछ लेना आप इंडियन आर्मी से, तब मैं उसको कह रहा हूं ना क्या वादा तूने इंडियन आर्मी को हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिया क्या? कट्टर मुसलमान है वो, उसका बाप जो है वो ज्यूइश है, नहीं उसकी माँ ज्यूइश है शायद, ये मुसलमानों में आ गई है, मजार वाले हैं ये, मजार वाले कम भोसड़ी वाले हरामी होते हैं, ये चल रहा ऑल ओवर वर्ल्ड में, समझे? और रियाम खान का पता नेटवर्क कौन सा है? इसका मीडिया नेटवर्क है। अफगानिस्तान में स्कूल के बाहर पता धमाका कैसा हुआ है? ऑयल टैंकर में धमाका हुआ है सर, मेरे ख्याल से 12 से लेकर के 16 साल की लड़कियां धमाके में उड़ा दी गई। अब पता है कांड किसने किया था? रियाम खान ने, हाथ नहीं डाल सकता उसको भाई, बस वो इंडियन आर्मी के नजदीक नहीं आते। तब मैंने यहां से ऑर्डर दिया उठाओ भाई, बहुत कत्लेआम हो रहा है, HRC का प्रेशर हमारे पे है, क्या करें? हमने कितनी बार इनको धमकी देने के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस में अपने जेट्स भेज के आसमान भर दिया। पहली बार जब ISIS ने गलती करी ना, वो बहाने से जो है इसको उठा ले गए राबी पीरजदा को, राबी को लगा फंस गई, उसने मैसेज मेरे पास भेजा, कर मैंने निकाल तो लिया उसको उस दिन, मेरे बंदे निकाल तो लाए इसे। अब मुझे सही बता रहा हूँ, मुझे तब तक इसका नेटवर्क नहीं मालूम था ये है कौन। अभी करीबन 4 दिन पहले मेरे पास IB की रिपोर्ट आई है सुबह, कह रहा भाई ये है कहानी। मैं कह लगभग तो मैं जानता हूँ यार ये, मैं कह तो SPG है, पर कौन सी है ये नहीं पता लग पा रहा है। प्रैक्टिस में मुसलमान और ज्यूइश अलग बात है, पर अल्टीमेट होते सब सनातन धर्म के ही है SPG से, पर कौन सी है नहीं पता लग पा रहा है। खतरनाक ही खतरनाक ये सारी भोसड़ी वाली सब लुच्ची लफंगी है, इन्हें कम मत समझना आप, बस मैं पहले बता दे रहा हूं। मैंने इनको कहा था पाकिस्तान में हिंदुओं को हाथ मत लगाना, नहीं तो फिर हम उतर जाएंगे युद्ध में, समझ में आ गई ना? हाँ तुम आपस में जो मर्जी करो, 22 करोड़ की पॉपुलेशन मारना कोई मामूली बात है।
पाकिस्तान की पॉपुलेशन 22 करोड़ है सर, और उसके बाद जो पाकिस्तान से बाहर है, पाकिस्तान में रहा कौन है? कब मुसलमान बच्चे पैदा करने में क्या कहते हैं पीछे हटते हैं वाला? पाकिस्तान में तो बच्चे वही रहते हैं जिन पर पैसे नहीं होते, बाकी सब चले जाते हैं पाकिस्तान से बाहर, और भारत में वो जाते हैं जिनके पास क्या कहते हैं भारत घूमना फिरना है बस और कुछ नहीं। इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, 2.5% टोटल पॉपुलेशन का हिस्सा जो है इंडिया से बाहर है NRI के रूप में, और पाकिस्तान का जानते हैं कितना है? 27% पाकिस्तान की पॉपुलेशन पाकिस्तान से बाहर रहती है। समझ में आई? ये लड़की जिसकी बात हो रही है, क्या नाम है, राबी पीरजदा की, इसकी और मरियम नवाज की टक्कर है, ये है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, ठीक है। मरियम नवाज का सब, मरियम नवाज को बीच में सपोर्ट कर रही थी रेहम खान पर, शायद अब नहीं कर रही है। मरियम नवाज पे हमला करवाने वाला इमरान खान था, आज पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुलवाया गया दोनों को, और दोनों से बात हुई है वहां पे, क्या आप लोग अपना कत्लेआम बंद करवाओ बीच में, तो हो गई नहीं। बाजवा ने पता नहीं कैसे जो है मरियम नवाज के चक्कर में फंस के या क्या बात हुई, मरियम नवाज ने क्या सर पे आशीर्वाद दे दिया बाजवा को, क्या करा, ठीक है, बाजवा ने जो है ना कनपटी पर रिवॉल्वर लगा करके इमरान खान उतार दिया, अब इमरान खान की सुलगी बड़ी है। समझ भाई, आज वो क्या नाम है साहब, हाँ वो एक साहब है वहां पे, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर, सुबह जो है मेरे से एक डील के उसमें जो है 8 ट्रिलियन हारे हैं, पाकिस्तान में सबसे पैसे वाला आदमी है वो, खत्म कर गए। ये हालात हैं। राबी पीरजदा ने जिस दिन ताल ठोकी है ना पाकिस्तान में, राबी पीरजदा ने पाकिस्तान में लगातार 4 सुसाइड बॉम्बर अटैक हुए हैं, BLA ने अटैक नहीं किया, वो राबी पीरजदा की टीम है वो बुरके वाली, वो जो सुसाइड बॉम्बर जैकेट पहनी हुई है, वो क्या फोटो उसने मजाक समझी, मजाक समझ रहे हो आप, जो फोटो दिखा रखी है उसने, रियालिटी है वो, समझ में आ गई। मेरे से ऐसी बात हो रही थी, मैं कहा देख लेंगे क्या कर लेगी तू, नहीं यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं, तू रहने दे, ठीक है, मैं तो एक बार अपनी टीम भेजूंगा, मिनट में तेरे को गाड़ी में बैठा के घुमा लाएंगे और आइसक्रीम खिला देंगे, चलो मैडम जाओ, तूने अभी हमारे बंदे नहीं देखे हम कितने डेडली है। मिनट में इसने इसकी टीम ने, राबी पीरजदा की टीम है वो, लगातार 4 सुसाइड बॉम्बर हमले हुए हैं पाकिस्तान में, ये अभी इसका अगला टारगेट क्या है, ये किसी भी दिन उड़ाएगी मरियम नवाज शरीफ की भीड़, देख लेना, ऐसे ही है इसके बंदे, इसे कम मत समझना। ये तीन बहनें हैं और 2 भाई हैं इसके, हमास के लिए 2 काम करती है ये, बिल्कुल करती है, हिजबुल्ला के लिए 2 काम करती है ये, ISIS वालों को नहीं समझती है कुछ भी, क्योंकि वो जूश हैं, ये मुसलमान है, हिजबुल्ला जो है और आइए क्या हमास जो है मुसलमानों का संगठन है, जमातुद्दावा मुसलमानों का है, पर फजल रहमान मुसलमान है पर जमातुद्दावा नहीं है। एक मुसलमान के एक घर में एक जूश होगा, एक मुसलमान होगा, एक सिया होगा, एक सुन्नी होगा, ये है गंध, मैं बता रहा हूं आपको। मैंने SPG में बताया कितना टाइम ड्यूटी करी है राबी पीरजदा के साथ, मुझे रखा गया इसकी SPG में, मैंने करी ड्यूटी 2020 अक्टूबर से, समझ भाई, इतनी इतनी कलाकार है नहीं ये,
सल्यूट ही नहीं कर सकते इसके साथ, आप इसकी टीम के साथ। ये मरियम नवाज शरीफ को मारे बिना मारेगी नहीं है, ये देख लेना आप। राबी पीरजादा जो है ये शुरू से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये सजीदा अहमद अल मंसूर की है, पैसे की कमी इसके पास भी नहीं है। अल मंसूर जानते हो कौन है? सऊदी अरब का सबसे पैसे वाला घराना है अल मंसूर, सजीदा अहमद अल मंसूर से है। जब मैंने इसको पाकिस्तान में देखा ना, अल मंसूर पाकिस्तान में, अच्छा जी, सोच लो आप। ये मरियम नवाज को कुछ नहीं समझेगी सजीदा अहमद, समझ में आई? अल मंसूर की लड़कियां इतनी बिगड़ी भी होती हैं ना, और इतनी बदतमीज, पैसे की कोई कमी नहीं। अब मरियम नवाज शरीफ का भी अपना नेटवर्क होगा भाई, हमने जाना तो खंगाला नहीं है। राबी पीरजादा, ये सोशल मीडिया की टीम है, राबी पीरजादा, सजीदा अहमद, राबी पे भी पैसा ठीक ठाक ही है, इस पे भी है, ठीक है। अब बात आती है सुंदरता की, अब भैया हम तो हाथ जोड़ ले तुम्हारे से तुम्हारा क्या भरोसा भैया, रात तुमसे शादी कर लो रात को, हमारा तुम्हारा क्या भरोसा, सोते हुए भाई साहब साइड में आईडीएक्स लगा के चलती बनोगी क्या, समझे? हाँ, फिर तो हितेश भाई पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाएंगे। समझ में आई? जिस दिन मरियम नवाज पे हमला हुआ उस दिन, मतलब ये समझ लो इमरान खान जो है एक एक तरह से वो चेक था, एक जिसमें ये लोग कामयाब हुए। जैसे बेनजीर भुट्टो मारी है ना इन्होंने, तो किसी का भी काम ठोकेंगे इसको भी। तब हमने इसको कहा कि आप भारत सरकार एसपीजी ले लो, नहीं ये फिर दिमाग लगा रही। राबी पीरजादा को भारत सरकार एसपीजी सिक्योरिटी मिली, ठीक है, बाद में हटी। अब जाकर के ये फिर उसी डर्रे पे, कल रात को नहीं सुना हैवी मशीन गन लगा करके जो है गाड़ी में जाके बैठी और चलती बनी। अच्छा जी, डरा रही है। अच्छा हैवी मशीन गन है, सिलाई मशीन है घर में। मैंने नहीं सप्लाई करे पाकिस्तानी आर्मी को हथियार, मतलब पाकिस्तानी आर्मी की लुप लुप रहती है इनके नाम से, समझे? उधर राबी पीरजादा, उधर क्या कहते हैं आपका क्या नाम है, मरियम नवाज, फिर रेहम खान। मैंने तभी तो बोला, मैंने कहा रेहम तू पाकिस्तान आ जाए। अब अखाड़े में जो है रेहम खान भी कूद गई, सजीदा अहमद, समझे? इनके भाई बाप और माँ के जोड़े भोसड़ी के एक नंबर के जो है ना, आराम खोर गुंडे मवाली हैं, और क्या है ये? लाहौर का मशहूर गुंडा कौन था जानते हो? इमरान खान, गब्बर, गब्बर बोलते थे उसे। मैं आपको इनकी हकीकत बता रहा हूँ, यहाँ तो बॉर्डर पे से खड़े होकर देखते रहो और क्या चल रहा है। गरीब भारत का जो है ना ये एंट्री है, अबे एंट्री नहीं है वो, उधर एग्जिट है। एंट्री इधर से समुद्र किनारे से, हवा इधर से आती। अब भी नहीं समझे तो बंसल साहब, ये हकीकत है, ये ध्यान। पाकिस्तान में कत्लेआम अभी चलेगा जब तक इमरान खान दोबारा सरकार में आने की कोशिश नहीं करता, आएगा जाएगा घंटा।
हथियार बरामद हो गए इसके पास। इसको जो है क्या कहते हैं पाकिस्तान में अरेस्ट लेना इतना आसान काम थोड़ी होता है। पता नहीं कब कौन मुसलमान बन जाए वहां पे, बस वर्दी नहीं है वहां पे। ये याद रखना इंडियन आर्मी, मेरी सलाह है आपके लिए, पाकिस्तान में कोई वर्दी नहीं, कोई कानून नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान। कब कौन मुसलमान बन जाए कोई नहीं जानता, कब कौन किसको मार दे काफिर कह के सारा जहां मुसलमान हुआ फिरता है। ये पाकिस्तान की कहावत है सर, यहां भी यही चल रहा। अचानक कोई कह देगा वो जूश है, हम तो ड्यूटी करते हिंदू है, हमें तो मतलब नहीं, तू मुसलमान है बैठ जा भी, हमें क्या दिक्कत है, करता रहे, लिखा क्या है कानून ये है भाई ना। वो तो अचानक जूश हो जाएगा, मुसलमान हो जाएगा इनके बीच में, ठीक है। अभी देखो अभी क्या होगा, अभी दो चार दिन में बहुत बड़ी बढ़िया न्यूज आने वाली है।